महाराष्ट्र सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम है, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसकी मालूम के वास्ते राष्ट्रीय जन जागृति के माध्यम से आपने वहां पे प्रोग्राम रखे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जो आज बहुत खास वीडियो लेके आए हमने, तो इसी के बारे में हम पूरी मुकम्मल मालूमात देंगे, जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है। तो आज ग्राम सेवक साहब से जो अजंता गांधी चौक में जो प्रोग्राम हुआ, तो उसी के बारे में हम जो ग्राम सेवक साहब से बात करने वाले। तो वीडियो बहुत खास है ये, तो वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए आपको। भारत के दो मुख्य धर्म है, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। ये दोनों की तरह से ना, तब कोई देशाची वाकड़ा नजर करू पाहिजे, ताकत आपल्याकडे होणार नाही। फक्त हे दोन डोळे चक्की पाहिजे। प्रोग्राम अजंता शहर में जो प्रोग्राम हुआ, तो ग्राम सेवक साहब से माहिती लेंगे हम इसी के बारे में, किस चीज के बारे में प्रोग्राम हुआ आज। ये जो है ना, आघाड़ी महाआघाड़ी सरकार जो है, सरकार की वजह से दो साल में जो पिछले दो साल में जो विकास के काम हुए, और विकास के काम का जो बेनिफिट है वो हर गांव में हर आदमी तक पहुँचना है, इसके वास्ते जन जागृति का कार्यक्रम रखा गया था। और वो जन जागृति के माध्यम से जो जो काम हुए, जो जो विकास हुआ, उसमें उदाहरण कोविड उन्नीस में गवर्नमेंट ने कितनी बड़ी पॉलिसी करे, कितने लोगों की जान बचाने की कोशिश करे, उसके ऐसे प्रतिबंध उपाय योजना क्या करे, और लोगों ने उसको कैसा सपोर्ट करे, सपोर्ट करने के बाद लोगों की कितनी जान बची और गवर्नमेंट उसको कितना ये करे, उसके हर इंसान को मालूम होना, इसके वास्ते गवर्नमेंट की तरफ से ये अपना कार्यक्रम रखेगा। अच्छा, जो अजंता में हुआ क्या आसपास के गाँव में भी हुआ है? हर गाँव में हुआ, इसके बाद में शुना गाँव को आप जाने वाले, शुना में इसके पहले पदस खेल आए हो सोएगाँव से, और उधर आप क्यों नहीं जाने वाले। अच्छा, हर गांव में प्रोग्राम होने वाला है। Thank you.
अशा ठिकाणी निर्बंध शिथिल केले आणि जनतेला दिलासा दिला. महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवर येतात महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना राबवून कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. त्याचबरोबर राजभाजा महोत्सव, एक शेतकरी एक कर्ज, विकेल ते पिकेल, माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना, कृषी पंप वीजोडणी धोरण आदी योजनांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला नवं संजीवनी दिली. त्याचबरोबर सर्वांना परवडणारी घरे, शिवभोजन थाळी, कितीला शिवभोजन थाळी? 10 रुपयाला. फक्त 10 रुपयाला महाराष्ट्रात कोणत्याही गावाचा शिवभोजन थाळी फक्त 10 रुपयाला. चविष्ट आणि स्वादिष्ट जेवण म्हणजे शिवभोजन थाळी. सौर ऊर्जा प्रकल्प, कोस्टल रोड, मेट्रो प्रकल्प एवढंच नाही, आयामधील 808 एकर आरक्षित करून वन संपदेचं रक्षण केलं. तसेच हिंदू भाषा सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग प्रकल्प उभारला. इलेक्ट्रिक वाहन धोरणातून इंधन पिरियतवाने रस्ते उतरून पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास हातभार लावला. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण, कृषी पर्यटन धोरण, माझी वसुंधरा अभियान यांसारख्या अनेक उपक्रम व योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला नवी दिशा, महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळाली. ती फक्त महाविकास आघाडी सरकार बोलायची. म्हणून सांगायचं आहे की 2 वर्ष जाहीर सेवेची महाविकास आघाडीचे हा विषय घेऊन आलेला हा वासुदेव. शेवटी एकच सांगेल, स्वर द्या, शंभो शिवशंकर. आघाडी सरकारचा वासुदेव हा करतोय राष्ट्रीय जनजागृति के माध्यम से आपने वहां प्रोग्राम रखा गया था. सब इस कार्यक्रम को अटेंडेंस करने की वजह तुम्हारे सबका शुक्रिया अदा करके कार्यक्रम खत्म हुआ, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ. धन्यवाद. हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.